பாரத் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் சென்னை. அட்மிஷன்ஸ் ஓபன் ஃபார் பிடெக், பிஎஸ்சி அக்ரி, பிஃபார்ம் நர்சிங், பாராமெடிக்கல் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்சஸ். मुझे क्या पता ये मुंबई है, मेरी जान, यहां सब मिलेगा पर छत नहीं, छत छत नहीं मिलेगा, मुश्किल, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है. अरे इट्स जस्ट दैट आई हैव दिस थिंग, अगर कोई बड़ी गाड़ी सामने से आ रही होगी ना, मैं स्टीयरिंग व्हील वगैरह छोड़ के बैठ जाऊंगी ऐसे करके. व्हिच वन वाज दिस? यहीं पे था वो वाला बिल्डिंग था. सो जैस्मिन, वी आर हियर, आपकी फर्स्ट एवर पीजी में. दिस मस्ट बी वेरी नॉस्टैल्जिक. वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक यार, क्या नहीं देखा यहां पे, बहुत कुछ देखा है. देन अली एंड आई मेट, वी वर जस्ट फ्रेंड्स एंड देन एट सम पॉइंट वी रियलाइज्ड ओके वी लव ईच अदर. ना तो अली यहां पे बॉम्बे में अपना घर छोड़ के आया था टू यू नो फाइंड अ गर्ल, नाइस गर्ल एंड गेट मैरिड एंड सेट. क्या क्या खाते थे यहाँ पे? और पाव भाजी, भेलपूरी, गोलगप्पे तो मैं हमेशा खाती थी और गोला, बट आज हम सिर्फ पाव भाजी खाएंगे. आई तो विल नेवर स्टॉप, एवरी बाइट आई फील. ए फ्यू मिनट्स लेटर, लास्ट, आई स्वेयर गाइस, दिस लास्ट. माय गॉड, खुशियां, कितने टाइम बाद. Honestly, I have seen phases जहाँ you know all I could afford was 10 rupees की मैगी या फिर frozen parathas. I know that Rubina is a very very mature, sensible woman, and she is mature enough to understand that it was just a show. So many times I have been told that you know you look too pretty and too innocent, we don't think you can pull this character. Wo to thoda casting couch type wo to hota hi hai. Jab when I was modeling, used to go for all these you know movie auditions and all, kuch kuch nikalte the jo matlab fraud hote the casting couch. Welcome to Drive Through Jasmine. We have been we were doing it in March, do you remember? I know, I was busy traveling, that it kept on getting delayed, but I know. But chalo, I'm glad we are doing it now. Ho raha hai finally bas as long as it's done. Because you know, you have a lovely lovely army of fans, and you know they have actually motivated and pushed me to make sure this happens. Each time one episode drops, no, they start commenting. Yeah, they are the reason I end up doing all this. Because, you know, they feel happy, they feel connected. I know, man. It's a good feeling to have that. But you tell me, how does Bombay feel home to you now? Bombay felt home to me the day I stepped here. बट नाउ बॉम्बे हैज़ बिकम अ प्लेस जिसे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकती. मुझे कोई कुछ भी ऑफर करे ना तो भी मैं कभी बॉम्बे छोड़ के नहीं जाऊँ. दिस इज माई होम, माई हार्ट, एवरी थिंग. डू यू रिमेंबर लाइक द फर्स्ट वीक और द फर्स्ट मंथ यू मूव टू बॉम्बे एंड हाउ वॉज दैट फॉर यू? I can never forget it. It was very eventful. Trust me. जिस दिन मैं पहले दिन लैंड करी, नहीं मतलब पहले आके घर वर देख चुकी थी और फाइनली मूव हो गई कि अब यहाँ रहना है. मैं लैंड हुई हूँ, बाहर आती हूँ, मुझे पता चलता है आज विसर्जन का दिन है. पूरा बॉम्बे ब्लॉक्ड है, ठीक है. बट टू मी लाइक जैसी मैं इंसान हूँ, हर चीज़ में कुछ ना कुछ हो, आई वॉज लाइक वाओ, ये तो बहुत बड़ा, बहुत ऑस्पिशियस दिन है. बॉम्बे इज वेलकमिंग मी विद ऑल यू नो पॉम्प एंड शो, विद म्यूजिक, गॉड, एवरीथिंग. आई हैव गॉटन ऑल द ब्लेसिंग्स. ओह माय गॉड, द बेस्ट थिंग आई हैव डन इज मूव टू बॉम्बे. और मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ कि भाई ये तो बहुत अच्छे दिन पे मुझे बुलाया है, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, सेलिब्रेट करिए पूरी सिटी. और उसके बाद तीसरे दिन ये होता है जो दूसरा इवेंट मैं अपनी ज़िंदगी का कभी नहीं भूला, और ऑल्सो द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्नड हियर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन. तो मैं जहाँ पीजी बुक किया था वहाँ पे, वो एक पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ लिफ्ट नहीं है. सो हमारा घर था थर्ड फ्लोर पे, और मैं आराम से ना नीचे जा रही हूँ, सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, बिकॉज मुझे नेचर्स बास्केट जाना था. उस टाइम जूहू में आगे नेचर्स बास्केट होता था, टू गेट समथिंग टू ईट यू नो इन पीजी, एंड आई स्लिप एंड सडनली हैव अ ब्लैक आउट काइंड ऑफ पेन.
and something that I have never experienced, okay? And I get down and I catch a rickshaw. नहीं, पहले मैं सोचती हूँ अच्छा मूड आएगा, स्पेन आएगा, थोड़ी देर चलती हूँ, ठीक हो जाएगा. मैं थोड़ी देर चलना शुरू करती हूँ टूवर्ड्स नेचर बास्केट. बीच रास्ते तक तो वो पूरा सूज जाता है और अनबेरेबल पेन हो जाता है. मुझे लगा कि ऐसा तो मैंने कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, क्या हो गया. मैंने ऑटो लिया, मैंने बोला अब मुझे कुछ नहीं पता है हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, क्या कहाँ हैं, मेरे पास कोई है भी नहीं जिसको मैं जानती हूँ बुलाऊँ. तो मैंने ऑटो वाले को बोला भैया जी जो भी क्लोजेस्ट हॉस्पिटल है ना वहाँ मुझे प्लीज़ लेके चलो, और पैसे बनाने के लिए ना मीटर के लिए घुमाना नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं आपको एनीवे एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, प्लीज़ मुझे लेके चलो. एंड टर्न्स आउट इट टुक मी टू कूपर हॉस्पिटल आई थिंक जो मैं था. टर्न्स आउट ऑटो वाला एक्ट्स एज एन एंजल टू मी. ही जस्ट डजंट लाइक ड्रॉप मी कि मेरा काम हो गया. ही पुट्स मी ऑन अ व्हील चेयर, टेक्स मी हियर देयर, दे सेंड यू टू मल्टीपल प्लेसेस. पहले जाओ एक्सरे करो, पहले स्लिप कटाओ, पहले ये करो. एक इंसान जिसका पैर गया हुआ है वो कैसे करे. ऑटो वाले भैया जी स्टेड विद मी, गॉट एवरीथिंग डन, एंड आई गेट टू नो कि मेरा लिगामेंट टेयर हो गया. ओके द वर्स्ट थिंग, क्योंकि हड्डी तो जुड़ जाती है, लिगामेंट तो जुड़ता नहीं है, बहुत टाइम लगता है. अभी ऑटो वाले भैया जी ने मुझे छोड़ दिया. मैंने भी उनको थैंक यू बोल के मैं अपनी बिल्डिंग में नीचे, एंड आई स्टार्ट टेकिंग फर्स्ट स्टेप, मतलब सीढ़ियों में पहुंची, एंड आई रियलाइज शिट मैं तो चल ही नहीं सकती, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कैसे जाऊँगी, यहाँ तो लिफ्ट ही नहीं है, और मैं किसको बुलाऊं, मैं तो किसी को कुछ जानती नहीं क्या. और एंड मैंने मुझे याद भी आता है, मैंने सर पकड़ा और मैं सीढ़ियों में बैठ के रोना शुरू हो गई कि मैं कितनी अकेली हूँ, ये कि मैंने क्या कर लिया, अब यहाँ पे मेरा कैसे काम चलेगा. पहले मैं थोड़ी देर रोई, फिर ऑब्वियसली वेरी मीन 10 मिनट बाद मैंने अपने आप को संभाला. मैंने सोचा अब ऊपर तो जाना है, क्या करेगी जासमीन, बैठी बैठी रोती. बट दैट वॉज माई लेसन, यू ऑल अलोन बाय योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. क्योंकि अगर कोई कल को कुछ हो गया तो तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं है. तो सबसे पहले अपने अपने आप को संभालो, जान से, दिमाग से, दिल से, अपने आप को अच्छे से संभाल के रखो, बिकॉज देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ यू और इवन गिव यू अ शोल्डर. या या दैट्स सो ट्रू. सो देन मैंने अपने को संभाला, मुझे रियलाइज किया कि ऊपर एक पीजी वाली गर्ल थी, उनका नंबर था मेरे पास, मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो नीचे आई, वो मुझे सहारा दे के ऊपर लेके गई. तो मेरा पहला हफ्ता ऐसा था. एंड ऑल्सो यू नो आई केम एंड मैंने जूहू बीच चौपाटी पाव भाजी सब कुछ बहुत सुना था. तो पहली चीज़ मैं जाती हूँ पाव भाजी खाने अगले दिन उठ के, एंड आई एंड अप हैविंग डायरिया. ओह माय गॉड, एक के बाद एक कांड किए आते ही, बहुत कांड किए. यू एंटर ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे और उसके बाद फिर डाउनहिल हो गया. फिर नहीं, डाउनहिल नहीं बोलूंगी, मतलब इट्स अ जर्नी. अब मैं हूँ जैसी, अब वैसी चीजें मेरे साथ होंगी. ओह माय गॉड, डू यू रिमेम्बर द feeling of buying your first ever car and when was that? Yes, I really remember it. क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं था कार बहुत necessity वाली चीज है, बहुत necessary है, और I am not too much into all these things, luxury ये वो car. तो मैं अपना पहला शो करती थी टशने इश्क, जिसका शूट होता था कांजोर मार्ग, बहुत आगे घाटकोपर से भी आगे, और मैं वर्सोवा रहती थी. तो मेरा अपना बढ़िया रूटीन सेट था, सुबह उठो, ऑटो लेके मेट्रो स्टेशन जाओ, मेट्रो स्टेशन से फिर मेट्रो लो, फिर घाटकोपर उतरो, घाटकोपर से ऑटो लेके सेट पे जाओ. बट देन यू नो एवरीबडी अराउंड मी स्टार्ट सेइंग व्हाई डोंट यू गेट अ कार, व्हाई डोंट यू नो. आई वाज लाइक कार मतलब हम, मैंने अपनी जिंदगी में कभी लोन पे कुछ लिया नहीं था, मुझे ई एम आई सिस्टम पता नहीं, बस सुना था कि ऐसी चीज़ें होती है और लोग इनमें दबके परेशान ही हो जाते हैं. तो मुझे बहुत डर लगता था इन सब चीज़ों से, बिकॉज आई कम फ्रॉम कोटा, वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड ऑल दिस, नेवर हैड मनी. तो फिर मैंने ऐसे देखा तो गाड़ी ठीक है सोचती हूँ. फिर मैंने सोचा मुझे ना एक छोटी सी गाड़ी आती थी होंडा की, उस टाइम ब्रियो आई थिंक, या वो लेने का बड़ा शौक था मुझे, छोटी सी क्यूट सी गाड़ी लगती थी. बट देन एवरीबडी वाज लाइक नो नो बाय लिटिल बेटर कार दिस दैट ये वो. फिर मैंने पता किया अच्छा कितने की आती है. मैंने आई केम डाउन टू स्कोडा रैपिड, ओके स्कोडा रैपिड, ओके केम डाउन टू ओके ये वाली लेंगे और डाउन पेमेंट इतनी होगी और इतनी इंस्टॉलमेंट होगी. मैंने बोला अच्छा इट्स नॉट दैट बैड जितना लोग बोलते हैं, जितना डरा के दिस इज तो वेरी इजी. अब ये सब मैंने डिसाइड कर लिया हो गया. पर अब शो के चक्कर के, शूट के चक्कर में मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं जाके वो बुकिंग अमाउंट दे सकूं. देन अ फ्रेंड ऑफ माइन वन डे रिक्वेस्टेड यू नो द शोरूम पीपल टू कीप द शॉप ओपन टिल लेट. मैं भागती भागती आई, मैंने अपना डाउन पेमेंट दिया, मैंने ले ली, एंड दैट वाज इट. मतलब इतना मुश्किल नहीं था जितना सबने मेरे दिमाग में डाला था.
और वो गाड़ी उस टाइम 10 लाख की थी और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बहुत बड़ी बात. 2 लाख डाउन पेमेंट दी थी मैंने, आज भी मुझे याद है. ओ माय गॉड. तो मतलब ऐसा था कि वो एक जो मोमेंट होता है ना कि यार फर्स्ट कार का, वो बहुत डिफरेंट होता है. दिस इज माय फर्स्ट कार एंड आई बॉट इट लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स बैक. थैंक यू. इट्स वेरी स्पेशल, यू वोंट बिलीव इट. मैं जो याद है, मैंने अपने पापा को कोटा से स्पेशली बुलाया था क्योंकि मेरे मन में था मेरी पहली गाड़ी सबसे पहले मेरे पापा ड्राइव करेंगे. सो आई रिमेम्बर घर पे फिर हमने पूजा वूजा करी थी और फिर मैंने पापा से ड्राइव कराई थी. बट आपको खुद को ड्राइव करना पसंद है? मुझे ड्राइविंग नहीं आती है. मैंने जितनी बार सीखने की कोशिश करी, मतलब यू नो व्हाट, मुझे ऑटोमेटिक है ना, मैं चला भी लूँ. मैंने स्टंट के लिए चलाई भी है. इट्स जस्ट दैट आई हैव दिस थिंग, अगर कोई बड़ी गाड़ी सामने से आ रही होगी ना, मैं स्टीयरिंग व्हील वगैरह छोड़ के बैठ जाऊंगी ऐसे करके. इट्स सम काइंड ऑफ फोबिया दैट आई हैव, जिसके बारे में शायद किसको पता भी नहीं है. माय गॉड. बट कौन घर पे फिर सबसे ज्यादा कौन चलाता है? पापा ही चलाते हैं. पापा. बट डू यू लाइक गोइंग आउट ऑन ड्राइव्स? आप जाते हो अली के साथ जाते हो ड्राइव्स? आई लव गोइंग ऑन ड्राइव्स, लाइक रियली लव. अर्लियर तो वी यूज्ड टू गो अ लॉट ऑन ड्राइव्स, बट अभी कुछ टाइम से नहीं हो पा रहा है. बट ड्राइव्स आर सो पीसफुल. इनफैक्ट इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, वी टेक अ कार एंड वी प्रेफर ड्राइविंग थ्रू द कंट्री. That's such a nice, peaceful thing. Yes. Yeah. मतलब वहाँ पे सब यही सोचते हैं ना कि हम को समझ नहीं आएगा कैसे क्या करना है. सब समझ आता है. It's very easy. It's very easy. सब समझ आता है. बहुत ही amazing होता है. I remember there was a phase like same. I also come from a very humble, normal background where we have been taught to live in whatever is provided to you, limited. There were days where there were like financially, I was like, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बचते ही नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं. When that phase was there in your life, how did you tackle that? और तभी भी ऐसा लगता था कि यार एक दिन तो I'll of course achieve it all, और ये नहीं रहेगा तब. Honestly, I have seen phases जहाँ you know all I could afford was 10 rupees की मैगी या फिर frozen parathas, but पता नहीं मेरा नेचर ऐसे, आप डीट कह लो चुलबुला कह लो, मुझे कभी भी वो टफ नहीं लगा. मुझे लगता था ये तो फेज ही है, आज नहीं है कल तो आ ही जाएंगे. इनफैक्ट इवन मैंने लिव्ड इन दिल्ली, माय बजट यूज्ड टू बी 60 रुपीज़. अब मैं 60 रुपीज़ में 30 रुपीज़ की थाली आती है, ठीक है. दिन में एक बार वो थाली खा लूँ या फिर वो 30 रुपीज़ यूज़ कर लूँ मीटिंग्स और ऑडिशंस में जाने के लिए, दैट यूज़ टू बी माय बजट. तो मुझे कभी डिफ़िकल्ट लगा ही नहीं. और शायद इसीलिए व्हेन आई यू नो गॉड शावर्ड मी विद एवरीथिंग नाउ, तो मैं उसे ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं हमेशा से पता था ये तो होने ही वाला है, ये तो होने ही वाला है. तो मुझे अपना मुश्किल वक्त ज़्यादा मुश्किल लगा ही नहीं, क्योंकि एक जर्नी होती है और आप फ्रूट्स को ज़्यादा इन्जॉय करते हो अगर आपने डिफिकल्ट टाइम देखा हो तो. दैट इज़ सो ट्रू. बट यू नो देयर केम अ फेज इन योर लाइफ वेयर आई थिंक literally you became a household name when you entered Big Boss, and that happened, you know, you were, I can say it on record that season you were my firstly most favorite contestant, secondly you were the most real and relatable one. Yaar, I think after Gauhar Khan, if I feel that for someone, then that's you. And yeah, because and whenever I meet Gauhar, I tell her the same thing. Yaar, you have taught me so much through that show. You didn't even know. Similarly with you, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी वो जो you know कभी कभी वो immaturely आप जो बोलते थे यार कपड़े धोना इतना, वो जो एक पूरा episode था, or whatever, however you felt your emotions, that left such a huge impact on young girls and young boys as well watching you. Did you feel that andar jaake aise pura change flip ho jayega? नहीं यार, ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था ऐसा चेंज फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हमेशा से यही थी कि बिग बॉस एक पर्सनालिटी का शो है और मैं अपनी पर्सनालिटी से बहुत बहुत कंफर्टेबल हूँ. मैं अपनी पॉजिटिव्स भी अच्छे से जानती हूँ और मैं अपने फ्लॉज भी अच्छे से एक्सेप्ट करती हूँ और कभी भी डिनायल में नहीं जी हूँ और मुझे पता है. और मैं अपने फ्लॉज के साथ इतनी कंफर्टेबल थी ना कि मुझे लगा ही नहीं कि कभी मुझे कुछ और बनने की कोशिश करनी चाहिए या दिस विल फ्लिप एंड इट विल नॉट लुक द वे आई वॉन्टेड टू बी. आई जस्ट वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ, वॉट एवर हाउ एवर जो भी था वो ही मैं हूँ. नाइस मैन. बट इन साइड देर वर सो मेनी बॉन्ड्स, देर वर सो मेनी फ्रेंडशिप्स मेड. अभी अभी आप किस किस के साथ टच में हो और आप लोग मिलते हो, ऐसे रियूनियंस होते हैं या एवरीवन जस्ट टू बिजी? या एवरीबॉडी इज जस्ट टू बिजी, बट यस आई डू एंड अप मीटिंग एजाज एंड देन अलीत ऑफ कोर्स इज देयर, राहुल, ओह या, क्वाइट ऑफन. और मिलते तो नहीं है पर निक्की से काफी बार बात हो जाती है इंस्टाग्राम एंड ऑल पे.
You know, when you guys were inside, it was often, see, I know that you are such a positive person, you wish everyone well. But whatever happened between you and Rubina, did you get a chance to come out and sort that? Ya fir, abhi bhi there is that unsaid thing that we wish each other well no matter what. Because sometimes media or people around try to pit you guys against each other. When I know, because I know her also, I know you are very sorted in your head and you would not carry those conversations. How do you feel about that? I have always felt that, you know, hamari koi baat nahi hui jaisa aapne pucha, hamari koi conversation nahi hui. But kyunki us time hum dono same building mein reh rahe the, so sudden, you know, we ended up meeting each other in the lift once or twice, and we met each other very cordially. And I have this, I know that Rubina is a very, very mature, sensible woman, and she is mature enough to understand that it was just a show. Yeah. And it's over, and everything that happened there is over, and we actually have nothing against each other in our hearts, and we always wish well for each other. This is what I think. Jitna maine unko jana hai unke bare mein bhi, and main bhi aisi hun. I really wish well for her. In fact, I was very happy when I got to know that she had twin baby girls. It's beautiful. I sent her a message also. So jaise mere dil mein kuch bhi nahi hai, and I understand it was a show, and you don't have to be in the loop of any negativity. That's the best thing you can do to yourself and people around you. I feel that she's also similar woman who thinks like that कि अब कुछ नहीं है, शो खत्म है, एवरीथिंग इज ओवर. क्योंकि जो जितना भी हम लिफ्ट में एक दो बार वी बम्प्ड इनटू ईच अदर, वी वर वेरी कॉर्डियल, द एनर्जी वाज आल्सो वेरी पॉजिटिव. सो दिस इज व्हाट आई अज्यूम. नो, आई आल्सो फील द सेम वे फ्रॉम हर साइड, बिकॉज आई एम श्योर अगर उनको भी ये क्वेश्चन कोई सिमिलर वे में पूछेगा, शी विल से द सेम थिंग. बिकॉज एज यू सेड, यू हैव ऑलवेज कैरीड योरसेल्फ विद अ लॉट ऑफ ग्रेस. आई फील द सेम वे अबाउट हर. इवन दो यू ऑल आर डिफरेंट पीपल इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, सबकी डिफरेंट है, वाइब अलग है थोड़ी, बट आई फील इन दैट टर्म्स ऐसा है कि फुल ऑफ हार्ट यार, मतलब जो है. एंड आई एम श्योर शी इज ऑल्सो समवन हु विल नेवर ब्रिंग अ वुमन डाउन इन दैट सेंस. वो तो चलो शो था, डस्टेड कितने साल हो गए यार, सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए. करेक्ट, आई एम श्योर. बट हैज योर रिलेशनशिप इवॉल्वड ओवर द इयर्स एज यू मेंशनड अबाउट? आई थिंक इट डज. इट इज It is a very obvious thing for a relationship to evolve. Evolving is a very, very important part of life. We are also humans because we have evolved over the years. We were apes. So either a relationship evolves or it ends. And touch wood, if it's still going on, it's evolved and it is evolving. Ali, when Ali and I met, we were just friends, and then at some point we realized, okay, we love each other. Then, you know, when love comes, there are a lot of expectations and there are a lot of responsibilities come on you. Emotional intelligence is required. You are responsible for the emotional happiness and well-being of a person. So a lot comes. There's, and it's not easy. A lot of I would say blood, sweat and tears go in maintaining and managing a happy relationship. And this is what we live for beautiful relationships, and it's worth it, I feel. Of course, I am so sure it is. Your hashtag is also so. Last night I was seeing a video where wo jo task tha Big Boss mein, jahan pe shayad unhone confess kiya tha, where the mics were not there and all. There was a clip of that, and there was a clip of you guys at a vacation, and they had combined it one of your fan pages, and it was just a and wo veha neya wo jo gana hai wo lagaya tha unhone, and it was such a beautiful clip. Like I started smiling. It just got a smile on my face. When you two as a couple get so much love, does it become overwhelming? Yes, it does become very, very overwhelming. और हमको यही लगता रहता है कि हमारा रिश्ता मजबूत होने का एक रीज़न ये फैंस और ये प्यार भी है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी ब्लेसिंग्स, जितनी एनर्जी उन्होंने डाली है, जो उनकी खुशियाँ हैं, हम उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं. आई एम सो श्योर. यू नो, बट डिस्पाइट दैट, वन थिंग दैट स्लाइटली बॉदर्स मी कि आपको ना काफ़ी बार, आपको एंड अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस हु आर मे बी इन अ रिलेशनशिप और पब्लिक को पता है, उनको ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट आप सेटल डाउन कब होंगे, एंड देर इज़ नो
there's nothing wrong with getting married. Marriage is a beautiful feeling and I am sure ki jin log jo log pyar mein hain wo log kabhi na kabhi shaadi karenge. But I feel when you associate that with settling down, I feel you are well settled already. You have nothing to settle down for. Those times when a woman had to get married to settle down. Yeah. These days everybody is very well settled. Nobody is looking for marriages to find security or settlement. Instead we are looking for marriages to find a companion, a partner with who you can, you know, enjoy your life and walk. So ye settle down wala word bahut baar aata hai, but honestly maine pehle bhi bola hai, main abhi bhi bol rahi hoon, hame kuch pata nahi hai. Aur jis tarike ki main hoon, maine abhi bhi bola, I do not live with the burdens and pressures of what society demands or expects. I live as per my own will and so is Ali. And ना तो अली यहाँ पे बॉम्बे में अपना घर छोड़ के आया था टू यू नो फाइंड अ गर्ल नाइस गर्ल एंड गेट मैरिड एंड सेटल डाउन. ना ही जैस्मिन अपना घर छोड़ के यहाँ आई थी टू फाइंड अ बॉय एंड सेटल डाउन. वो तो हमारे साथ वहाँ पे भी हो सकता था. वी केम हेयर टू फुलफिल आर ड्रीम्स एंड वी worked really hard, we have struggled a lot, and our first priority is our dreams and our ambitions. And when we think that we have achieved those dreams and ambitions and goals, then we will feel we are settled, and then after that we will think of settling ourselves. I hope after this answer everyone who's watching it from the media fraternity stops asking Jasmine when are you settling down. She is well settled and doing fab for herself. Exactly. But a lot of people still do that, and a lot of actors who worked in the television industry or still are sometimes are not that proud to say कि हम टी वी एक्टर है. जैसे बहुत कम, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ पे आपने एकदम प्राउडली बोला यार टी वी ने ही मुझे सब कुछ मेजोरिटी ऑफ द चीज दी है, तो इट्स फाइन. आई मीन आई एम वेरी हैप्पी बींग अ टी वी एक्टर, इट्स फाइन. प्राउड ऑफ इट. माई द रीजन वाई यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग टू मी हियर वेयर एवर आई हैव रीच्ड, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टी वी. इट स्टार्टेड फ्रॉम टेलीविजन एंड आई एम श्योर देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. But I am completely proud of it. Of course. When have there been moments where this has been pitted against you? So many project times. So many times. You know, when you want to act in web shows or films, you go for audition. They are like, नहीं ये तो TV face है, नहीं नहीं TV face नहीं चाहिए. ठीक है. कोई मार्केट का होगा फंडा, चीज़ें होती होंगी जो मैं नहीं समझती. टेलीविजन फेज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम टैलेंटेड हूँ या मेरे अंदर कोई कमी है या मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ. चलो अगर ये है, अगर आपको लगता है कि ओके फाइन, इनको मे बी एक ब्रेक के बाद आना चाहिए ताकि इनकी वो लोग छवि भूल जाएँ टेलीविजन की, तो मुझे लगता है क्यों भूल जाएँ, कोई गलत काम तो नहीं किया. एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ द वर्क दैट दे हैव डन ऑन टेलीविजन एंड द आइडेंटिटी एंड पॉपुलैरिटी दे हैव is because of television. And in fact if people start considering television people in majority major primary roles, they can capitalize on that popularity. Exactly. Because a television face is popular in every house, it's a household name, so why not change it and look start looking it in that way, and you know, instead of putting it in boxes like I know but does it ever feel hurtful or have you accepted this? No, it feels really hurtful. I have not accepted it, and I choose to take this as a hurtful feeling because it will keep motivating me. It will keep putting this voice in कील होती है ना, ऐसे ऐसे वो गढ़ती रहेगी जब मैं हर्ट होती रहूँगी. एंड आई विल कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड वैन आई विल कीप बिकमिंग बेटर एंड बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड आई विल कीप ट्राइंग एंड आई विल नॉट गिव अप टिल आई डोंट मेक इट. आपको कभी ये बोला गया है दैट यू आर टू गुड लुकिंग या टू प्रिटी फॉर दिस रोल? या सो मेनी टाइम्स आई हैव बीन टोल्ड दैट यू नो you look too pretty and too innocent, we don't think you can pull this character. That is how I look, give me a chance. Yeah. Let me act, give me that platform, give me that script, let me prove myself, I'm an artist. Stop stereo, you know, type casting type, unko wo band kar do. Haan ye aisa dikhta hai to usse yahi role karana hai, waisa dikhta hai usse, wo bhi theek hai, wo achhi baat hai, but you know, artist ki bhook kabhi mitti hai jab wo apne roles ke sath characters ke sath you know वो करता है, एक्सपेरिमेंट करता है. एग्जैक्टली. ओ माय गॉड. बट दैट ब्रिंग्स अस टू जुहू. सी दैट्स माय कॉलेज, ये मिट्टी बाई के साइड में यूपीजी.
मिट्टी भाई के साइड में यार बोलना, ऑटो वाले को हम बोलते थे मिट्टी भाई जाओगे, नहीं यूपी जी जाओगे कहता था, हाँ क्या, देन बोलते थे मिट्टी भाई, देन इज लाइक बैठो बैठो, एंड इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज यूपी जी वाज अ बेटर कॉलेज इन टर्म्स ऑफ मीडिया का जो फैकल्टी थी, बट आई वाज लाइक ठीक है, आई एक्सेप्टेड इट, आई वाज लाइक मिट्टी भाई बोल के जाएंगे, बट ये यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे आपकी भी बहुत मेमोरीज होगी, अभी हम जूहू में हैं यार, जूहू से तो सफर शुरू हुआ था पहली बार, जूहू should I tell you how I got this PG? Yeah, tell no. मतलब सब कुछ मेरा बहुत ही मतलब कोई incidentful है, so मैं आती हूँ एक दिन, मैं decide करती हूँ मुझे तो बॉम्बे शिफ्ट होना है, दिल्ली में अब कुछ नहीं है, मुझे acting करनी है, कुछ किसी को जानती नहीं हूँ, कुछ आता पता नहीं है, आता जाता नहीं है, मेरी बुआ की बेटी तब यहाँ रहती थी, she used to do a job, तो मैंने बोला नानू दीदी मैं एक दिन के लिए आ रही हूँ, मुझे अपने लिए घर वर ढूंढना है और फिर मैं अगले दिन फ्लाइट से चली जाऊंगी, इसलिए एक दिन में मिल जाएगा, तो मैंने बोला हाँ मिल जाएगा, मैं सब ढूंढ लूंगी. अच्छा ठीक है, तो थोड़े बहुत जो इधर उधर मॉडल्स दिल्ली से जो जानती थी उसके थ्रू पहुंच गई, नानू दीदी के घर सामान रखा, घर सारा दिन ढूंढे, सारा दिन ढूंढे, मुझे क्या पता ये मुंबई है, मुंबई मेरी जान, यहाँ सब मिलेगा पर छत छत सबसे मुश्किल. सो ढूंढा ढूंढा कुछ नहीं मिला, पता नहीं कोई कहीं ले जाए, कोई कैसी जगह ले जाए, फेडा पोके रात को एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, मेरी इंडिगो की फ्लाइट है, मुझे सडनली फोन आता है एक फ्रेंड का, वो बोलते हैं कि तुझे वो चाहिए था ना एक पीजी मिल रहा है ऐसे नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी करके है, JW मैरिट के सामने, 10,000 rupees रेंट होगा, इतनी इतनी गर्ल शेयर करती हैं, मैंने बोला है मिल रहा है, बोलता है पर क्या चाहिए कि तुझे अभी जाके डिपॉजिट देने, मैंने बोला अभी मैं एयरपोर्ट पर बैठी हूँ, मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं भी मैंने डी चेक इन कराया, वहाँ हल्ला डाल दिया फ्लाइट का कि मेरा डी चेक इन करो, सामान लिया, ऑटो लिया, सीधा आई जूहू, उनको दिया डिपॉजिट अमाउंट 10,000 rupees और मतलब जयपुर दिल्ली सॉरी दिल्ली मुंबई हर 2 घंटे में फ्लाइट होती है, उसके बाद वाली जो फ्लाइट थी वो पकड़ के मैं पहुंची दिल्ली, मतलब आई थी तो भले से कितने, यू नो समटाइम्स दैट्स व्हाई आई फील गॉड हैज बीन विद मी, यू नो दीज आर गॉड्स ब्लेसिंग की रैंडमली वाया वाया किसी मॉडल का किसी के थ्रू फोटोग्राफर का कॉल आया, उसने ऐसे ऐसे किया और मुझे मिल गया यार, जो करने आई थी वो कर लिया ना, ठिकाना तो ढूंढ लिया, exactly. बाकी आगे कर लेंगे, ये बोलते हैं ना भगवान भी ढूंढ लो मिलेगा, बॉम्बे में फ्लैट नहीं मिलेगा बैचलर्स को, भाई ये इतना सच है, 24 घंटे से भी कम में आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया, हम 1 महीने का बफर लेके चलते हैं जब हमको फ्लैट चेंज करना होता है किसी चीज के, सिर्फ यहाँ वहाँ पर मैंने उस दिन कैसी कैसी, मुझे चौल पहली बार चौल होता क्या फिल्मों में देखा था, पता चला एक ऑटो वाला मुझे वहाँ ले गया घर दिखाने, व्हाट दिस इज द रूम जॉब बेड, मतलब मैंने क्या नहीं देखा यार, मैंने क्या नहीं देखा भगवान. फिर आप यहाँ जूहू बीच वगैरह पे ऐसे आते थे घूमने उमने? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जाती थी यार जूहू बीच पे घूमने, बड़ा ही मजा आता था, क्योंकि मुझे तो लगता था जूहू बीच मतलब कोई बहुत एग्जॉटिक जगह है यार, सारी जिंदगी फिल्मों में देखी है, मैंने कितना बड़ा तीर मार लिया, एड्रेस अपने लिए क्या सुना, ऑपोजिट JW मैरिट जूहू तारा रोड, अमिताभ बच्चन जी इज माई नेबर, मतलब मैं तो मैं खुश थी, वही छोटी छोटी चीजें खुशियां ढूंढ ली, बोला जैस्मिन नॉट बैड यार, वेल डन फॉर योरसेल्फ, मेरे चाचा ना अमिताभ बच्चन सर के बहुत बड़े फैन हैं, उनसे बड़ा कोई फैन ही नहीं है, वो भी खुश हो, मुझे जानू तेरा घर उनके बंगले के पास, मतलब हम अलग ही ट्रिप पे अपने. And now you will see me North Bombay Society. Lovely. My friend used to live there. इसलिए जैसे ही आपने North Bombay बोला मुझे समझ आ गया ये re-entry. Yes. Wow. Perfect. So Jasmine, we are here. आपकी first ever PG में. This must be very nostalgic. Very very nostalgic. यार क्या नहीं देखा यहाँ पे. बहुत कुछ देखा है. जुहू बीच के एकदम पास में first ever PG. But tell me now that you know यहाँ पे आप ऐसे दो या एक लड़की के साथ share कर रहे थे room. नहीं, there were 3 bedrooms and 6 girls. So 2 girls in 1 bedroom. And from that to working your way up to buying your first ever house, how proud are you of yourself? Because I am extremely proud of myself. I'm proud of myself. It's all a result of hard work and positivity, guys. सब कुछ हो जाता है लाइफ में. मेरे इतने बड़े कोई ड्रीम्स है नहीं, बेसिक से हैं, तो वो मैं पूरे करती रहती हूँ. Just do not give up in life. Yeah. But were there ever moments where you were like very close कि नहीं यार now I'll give up? Yeah, there were moments, but I am glad I had a group of friends who, you know, didn't let me slip into that dark hole of depression and giving up. So here I am. Chalo, on that note, we'll go back to the car. It's very sunny.
But thank you so much for getting us to your first ever PG. It is beautiful. I cross this almost every day. Are lovely, nice. Chalo, we'll go back. Come. मैंने अभी यू नो आई इंटरव्यू ताहा हु वॉज इन हीरा मंडी ताजदार. सो ही हैज़ ऑल हैड अ लॉन्ग जर्नी एंड ही टोल्ड मी दैट पहले जब वो ऑडिशन करते थे उनको एक्चुअली स्कैम किया गया, उनसे पैसे लिए कि हम आपको कास्ट कर देंगे ये प्रोजेक्ट में और फिर वो गायब हो गए लोग. इट वॉज ऑब्वियसली अ स्कैम. ऐसा ऐसा पर एक्सपीरियंस किया नहीं मेरे साथ ऐसा स्कैम कभी नहीं हुआ. एक्टिंग कराएंगे वैसे मैं बोलती थी पहले पैसे दो फिर एक्टिंग करा लेना फिर जो भी करा लेना, मैं पैसे नहीं दे रही एक्टिंग करने. ऑफ कोर्स मतलब एक्टिंग भी मैं करूँ पैसे भी मैं दूँ. मुझे तो तुम दोगे तो मैं कर लूंगी भाई. बट पहले पहले कोई ऐसे लोग मिले थे जो जिन्होंने सोचा हो कि हम इसका ये एक्टर बनना चाहती है तो कुछ वे में फायदा उठा ले. वो तो थोड़ा कास्टिंग काउच टाइप वो तो होता ही है. जब व्हेन आई वाज मॉडलिंग यूज्ड टू गो फॉर ऑल दीज यू नो मूवी ऑडिशंस एंड ऑल, कुछ कुछ निकलते थे जो मतलब फ्रॉड होते थे कास्टिंग काउच. मतलब कास्टिंग तो क्या ही करेंगे, जिन्होंने कास्टिंग करनी होती है वो काउच नहीं करते. तो बेसिकली कास्टिंग काउच वर्ड गलत है, टर्म ही गलत है, क्योंकि जिनको जेन्युइन काम करना होता है वो ऐसे फालतू लफड़ों में पड़ते नहीं है. तो एक दो बार हुआ बट फिर उससे भी मैंने लेसन सीख लिया कि भाई ठीक है मीटिंग्स ऐसे एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, यहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाना है. तो गलतियाँ कर करके सीखा और बाय गॉड्स ग्रेस आई ऑलवेज केप्ट माय सेल्फ सेफ एंड प्रोटेक्टेड. परफेक्ट. जब वो चीज़ डॉज करने में तब थोड़ा डर लगता था. हाँ हाँ उस टाइम तो भाई आप फुल पैनिक मोड में होते हो, वहाँ से किसी तरह निकलना होता है, बच के निकल गए फिर उसके बाद रियलाइज होता है. बट एट टाइम्स आई हैव आल्सो फॉट लाइक आई फॉट इन अ वे दैट आई हैव टॉट दैट पर्सन अ वेरी वेरी गुड लेसन ट्वाइस इन फैक्ट. एंड आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए. उस मोमेंट में ना घबराया मत करो, ऐसी की तैसी कर दिया करो. उसी टाइम डर के घबरा के भागना नहीं है. दिस इज माई एडवाइस टू ऑल द पीपल. माई गॉड बट इट ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर नो दिस एक्सपीरियंसेस टुडे आई फील. बट आज मैं अगर आपसे पूछूँ कि यू नो ये इंडस्ट्री में आप इतने साल से हो, कौन है वो आपके अपने लोग, कुड बी एनी वन फिल्म मेकर्स और योर को एक्टर्स और हूएवर यू हैव वर्क्ड विद. मेरे को पता है कि ट्रू फ्रेंडशिप बहुत कम ही होती है, वो हमारे दो तीन ही क्लोज लोग होते हैं. तो वो आपकी लाइफ में वो लोग कौन है? ये ट्रू फ्रेंडशिप्स फॉर आई एक्चुअली मेड द बेस्ट फ्रेंड व्हेन आई वेंट फॉर खतरों के खिलाड़ी. इट वाज हर्ष भारती, पुनीत अली, दीज आर द प्योरेस्ट एंड मोस्ट रियल बॉन्ड्स आई विल से दैट आई हैव मेड ऑन माय वर्क सेट. Amazing. So do you guys like hang out and chill? Yeah, I saw your podcast with Bharti and Harsh. It was so nice. आपके बारे में कितना नया पता चला मुझे उस podcast से. Harsh और Bharti, हाँ हम लोग काफ़ी hang out करते हैं, chill करते हैं. We are there for each other. We are like family. Bharti तो is like my soul sister. मुझे सब मतलब मुझे बहुत प्यार है उससे. गोला तो मेरी जान है. Wow. But you know, Jasmine, because of people like you जो काफ़ी रियल भी है और अपने वर्क को काफ़ी रिलेटेबल रखते हैं, देर आर सो मैनी यंग गर्ल्स टूडे दैट लुक अप टू यू फॉर दैट. बट ऑल्सो ना बिकॉज ऑफ एक्टर्स, इवन दो दे डोंट डू एनी थिंग, हमारे ऊपर या ये यंग गर्ल्स के ऊपर जो थोड़ा सेल्फ डाउट में चले जाते हैं उनके ऊपर ना ये ब्यूटी स्टैंडर्ड का प्रेशर है दैट शी लुक्स सो फ्लॉलेस. लाइक इफ आई लुक एट यू I will call you a beautiful person. Like you are a beautiful looking girl also, you from inside also. But some girl, maybe if I saw you 10 years earlier, I would think, yaar, her skin is so good, mine is not. And wo comparison start ho jata. How do you look at it as? You only answered it by saying comparison. Agar aaj main apne aap ko, you know, who is like the most beautiful Miss Universe or somebody like that, usse compare karun, so I am not at all pretty then. I don't have that body, I don't have that skin, I don't have that height, I don't have those amazing lips, I do not have eyes, you know. तो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करने लग जाऊँ तो फिर मैं भी क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ. तो कंपैरिजन वर्ड ही ख़राब है. हम कम्पीट करने के लिए पैदा नहीं हुए पहली बात तो. ठीक है ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ, कीप ग्रूमिंग योर सेल्फ, इवन यू नो वट एवर शेप साइज यू आर, जस्ट लव योर सेल्फ मैन. क्या हो गया, कोई पतला है कोई मोटा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता. खुद से प्यार करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो चीज़ है. ट्रस्ट मी गाइज, मैंने एक फेज़ देखा है जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अगली हूँ. मैं ऑडिशंस लेने जाती थी क्योंकि मेरी लेग्स पे अंडरग्रोथ
ग्रोथ की वजह से मार्क्स थी. मुझे स्कूल टाइम में हमेशा एक्ने होते थे, मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे बिकॉज ऑफ माई डार्क कॉम्प्लेक्शन. मुझे अलग अलग तरीके के बुरे नाम देते थे. तो मैं बहुत साल इस सोचते जी हूँ कि मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ. और जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू किया, नहीं जैसा भी है अब यही है एंड आई लव माई सेल्फ, उस दिन से मैं दुनिया को भी सुंदर लगने लग गई. ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को प्यार करो. दैट्स अबाउट इट. कंपेरिजन और कॉम्पिटिशन तो कभी खत्म नहीं होगा. क्यों करना है कम्पीट यार, अपने स्टैंडर्ड गोल सेट करो. हेल्दी होने चाहिए. वैन आई से कि कोई भी शेप और साइज मतलब ये नहीं है कि आप यू आर लिविंग एन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड यू आर गिविंग योर सेल्फ हार्ट इशूज एंड स्टफ. बी हेल्दी, बी हैप्पी. लाइफ में दो ही बॉटम लाइन है, ठीक है, एक तो हमारी हेल्थ और दूसरा हमारी खुशी. अगर हम खुश हैं और हम हेल्दी हैं तो हर किस्म के वक्त का हम सामना कर सकते हैं. वाओ, दैट वाज सच अ गुड एडवाइस बिकॉज़ ट्रस्ट मी, सेल्फ लव इज सो इंपॉर्टेंट. सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक. इफ यू हैव लव विद इन योरसेल्फ देन ओनली यू कैन शेयर दैट लव टू द पीपल अराउंड यू. दैट इज so true. On that note, we have, on the note of healthy, being healthy and all, hum aa gaye hain yahan pe Juhu beach pe where mama ji is not like going to let us far. He's like niklo idhar se. But na yahan pe कोई और ऊपर ओपन टाइप रेस्टोरेंट होता था, वहाँ मैं बहुत जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ. व्हेन आई यूज्ड टू लिव हियर. बट यहाँ पे पाव भाजी आप खाते थे ना? यहाँ पे मैंने पहले दिन पाव भाजी खाई थी, लूज मोशन लग गए थे. ओह माय गॉड, आज भी खाने वाले विद फिंगर्स क्रॉस्ड हम पाव भाजी खाने वाले. होपफुली लूज मोशन या कुछ भी हमें ऐसा नहीं होगा. बट लेट्स गो एंड हैव यम्मी पाव भाजी नाउ. So Jasmine, we are here at the Juhu Beach, the most iconic pav bhaji and bhel puri place. Kya kya khate the yahan pe? Aur pav bhaji, bhel puri aur golgappe to main hamesha khati thi aur gola. बट आज हम सिर्फ पाव भाजी खाएंगे. तो आज हम हाँ पाव भाजी खाने वाले हैं, बट अंदर जाके खाएंगे तो थोड़ी गर्दी हो जाएगी. बट वी नीड इट इन द कार एंड हम जैस्मिन को फोर्स कर रहे हैं पाव भाजी खाने. अगर उनका ट्रेनर देख रहा प्लीज उन पे गुस्सा मत करना. वी हैव रिक्वेस्टेड हर कि आप खाओ, सो प्लीज उनको खाने दो आज. थैंक यू सो मच. No, you go. I'm holding it, you start eating. No, you also eat. I'll eat. Aap khana start you karo. Only have to eat first. Arre nahi, you have a bite of satisfaction. मैं खाने को कभी मना कर सकती हूँ? आप भी बहुत फूडी हो ना. बहुत यार, मेरा तो मैं तो खाने के बिना जिंदगी, यार मैं पूरी जिंदगी इंजॉय जीती हूँ. मैं खुश रहना पसंद करती हूँ. बट आर यू लाइक यू हैव गुड मेटाबॉलिज्म या फिर आप यू गो ऑन डाइट? आई डोंट गो ऑन डाइट, आई डोंट बिलीव इन डाइट बिकॉज जो भी लंबा नहीं कर सको वो नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि रिजल्ट टेम्पररी रहेगा. बट आई वर्कआउट रेगुलरली व्हेनेवर आई कैन. अच्छा, नाइस. तो खाओ पियो, ऐश करो, खुश रहो. Yeah, and also when you come from a Punjabi family, my God, I have seen mamma, matlab nashte mein na humko aloo ke paronthe, gobi ke paronthe. Aloo gobi ke paronthe, nashte mein khane wali ladki, living in Bombay. I know, aur yahan pe jo wo vada pav culture I saw, I was shocked. I was like, वड़ा पाव क्या खाए यार नाश्ते में, मुझे तो पराठे चाहिए एंड अपना वो सारा प्रॉपर फूड चाहिए. बट देन ऑफकोर्स It changed. Please have one bite. Yeah. Without dropping on your clothes. I will try my best. एक nails करा लो तो nails में भी लगने से problem. तो कोई बात नहीं, remover से साफ हो जाएगा. मेरे तो हमेशा ही पीले हुए होते हैं. Because I mostly do French or white. Yeah, same. I do light colors. तो वो गंदे हो जाते हैं. Yellow हो जाता है. ये पाव भाजी बिल्कुल वैसी पाव भाजी जैसी लग रही है. जैसे मैंने पहली बार खाई थी. और पता है कसम से मैं यहाँ जू बीच पे आज कितने साल बाद पाव भाजी खा रही हूँ. ओह माय गॉड, सात साल. वाओ, चलो गुड, एटलीस्ट इट हैपेंड. खाने के मामले में मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती. इनफैक्ट मुझे भूखी बोलते हैं. मैं पहले आप लेंगे नहीं, मैं थोड़ा सा लेंगे ओके, नहीं अपना खा लो भाई. आप बिग बॉस में कैसे रहते थे? वहाँ तो नॉर्मल खाना मिलता था ना, रोटी दाल सब्जी. फिर याद आती थी ये सब की? बहुत आती थी यार.
पर अब ठीक है, साइन अप किया था तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही थी और मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। वाओ मस्त। बूढ़ी होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको सिर्फ फैंसी फैंसी अलग अलग चीज़ें बनाना, मुझे सब पसंद है। अच्छा, ज़्यादा घर का खाते हो आप? नहीं, ज़्यादा बाहर का, ये मेरी बुरी आदत है, मेरी बहुत बुरी आदत है, इसलिए मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ। गाइस, बाहर का मत खाया करो ज़्यादा। हाँ। मैं कुछ ज़्यादा ही खाती हूँ क्योंकि मैं बहुत चटोरी हूँ। हाँ हाँ, नहीं अभी तो, अब आज ही लास्ट ही खा रही हूँ मैं पाव भाजी। और मेरा जिम का ट्रेनर देखेगा और मुझे इतनी जूते पड़ेंगे ना ये वीडियो देखने में। चलता है 7 इयर्स के बाद वो जू बीच का खाना है। अरे चल प्रवीण, मैं आज से लेके पूरे 15 दिन तक अब सिर्फ हेल्दी खाऊंगी, कोई चीट मीट नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी बट दिस, ये इन्होंने मुझे जबरदस्ती खिलाया। एज यू कैन सी, मेरे मुंह में जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो खा नहीं रहे थे, हमने उनको बोला हम आपको जाने नहीं देंगे घर जब तक आप नहीं खाओगे। बस अब और नहीं खा रही यार मैं, बस हो गया। बस जितना आपको खाना है आप खाओ। आई तो विल नेवर स्टॉप। एवरी बाइट आई फील नो नो, ईट आराम से, देयर इज वाटर आल्सो वहां पे। नो दिस इज लास्ट, आई स्वेयर गाइस, दिस इज लास्ट लास्ट बाइट। माय गॉड, खुशियां कितने टाइम बाद। Some things you eat, पाव भाजी का कलर देख रहे हो गाइस, कलर देखो, कलर रेड कलर, लाइक ऑरेंजिश रेड कलर है प्रॉपर। बटर डन दो। यू नो जस्ट गोइंग बैक टू द कॉन्वर्जेशन वी आर हैविंग बिफोर वी स्टॉप्ड, बिकॉज वी वो आ गया तो मैं बोल नहीं पाई, बट यू वर टॉकिंग अबाउट द फेज इन लाइफ वेयर यू नो यू वर हैविंग दैट सेल्फ डाउट, और आपको लगता था आई एम नॉट प्रिटी एनफ। यू नो आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी कॉन्फिडेंट किड एंड आई हैव ऑलवेज बिन अ चबी किड। पीपल यूज टू बी सो शॉक्ड दैट हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट, बट आई फेल्ट वॉट हैज कॉन्फिडेंस टू डू विथ माई बॉडी साइज, राइट? एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट एंड इवन टूडे आई फील दैट। But even today I get messages like, I love your confidence. I know they're complimenting me, but they are also doubting that how are you so confident? They are putting it right in your face. Yeah. Ke kaise hai, kyun nahi ho gaye? Kyun nahi ho? So even though I have been someone ki I am full of self-love, I don't care, meko kabhi kabhi wo self-doubt creeps in. Haan. To kabhi, bahut kam, but kabhi kabhi haan, aa jata hai ki yaar, नो मैं ये शूट में ना अच्छी नहीं लग रही, व्हेन आई एम सिटिंग बल्ज दिख रहा है या कुछ हो रहा है ऐसा लगता है, एंड देन आई एम लाइक अच्छा अच्छा इट्स ओके, माय कॉन्वर्सेशन इज गुड ना, द इंटरव्यू वाज नाइस, द एक्टर वाज हैप्पी, चलो डन, आई एम हैप्पी विथ माय वर्क। बट हाउ डिड यू डील विथ इट, बिकॉज व्हेन यू गेट इन दैट जोन ना, तो उससे बाहर निकलना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है यार। मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं परफेक्ट तो लग नहीं सकती, फ्लॉलेस भी लग नहीं सकती, पर अगर मैं अपने फ्लॉज को प्यार करूँगी तो ज़रूर वो मेरे फ्लॉज दुनिया को नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को उस तरीके से कैरी कर लूँगी। सो पुटिंग इन लव इनटू एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लव एंड फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So I believe in that, and at times I see my old pictures and videos where I'm looking horrible, but I laugh at it. Yeah, it's okay. You can't always be your best. It's okay, यार अच्छा बुरा ठीक है। हम अपने आप लोगों को, मुझे एक तो समझ नहीं आता अपने को छोड़ के दूसरों में इतनी क्यों दिलचस्पी है कि ऐसा क्यों दिख रहा है, वैसा क्यों दिख रहा है, वैसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तुम अपने आप को देखो, ठीक है, वो सारी एनर्जी अपने आप में डाल दो टू मेक योरसेल्फ द बेस्ट वर्जन, क्योंकि तुम्हें भी एक ही जिंदगी मिली है यार, उसको मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। क्यों टाइम में और एनर्जी वेस्ट करनी है दूसरों की कमियां खामियां निकालने में। ट्रू, सो ट्रू। बट टुडे यू नो एक्टर्स हैव, आई लाइक दिस अबाउट देम दैट दे हैव स्टार्टेड कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट रियल। लाइक जानवी कपूर रिसेंटली मेड अ रील वेयर शी वाज लाइक ऑल नेचुरल एंड घंटा शी वाज मेकिंग अ फन ऑफ हरसेल्फ ओनली कि हां भाई नेचुरल नहीं है, एंड शी एक्सेप्टेड इट एंड शी हैज स्पोकन अबाउट इट, व्हिच इज अ गुड थिंग, बिकॉज़ देन वो जो टीनेजर्स वाली मैंने बात की थी, फिर उनको समझ आता है अरे भाई सब कुछ नेचुरल नहीं होता। हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक इज इट फॉर एक्टर्स टू कम आउट एंड ओपनली स्पीक? आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो हमारी आने वाली जनरेशन उस प्रेशर के अंदर दब जाएंगी और पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगी अपने आप पे, एंड दे विल लूज देयर ट्रू सेल्फ, बिकॉज पीपल नीड टू नो दैट द वे एक्टर्स सेलिब्रिटीज लुक ऑन कैमराज एंड इंस्टाग्राम इज नॉट हाउ दे ऑलवेज लुक, देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इन टू इट, मेकअप, लाइटिंग, हेयर, मेकअप, पोस्ट, एडिट, तो सब में फ्लॉज है, हम उन्हें करेक्ट करते हैं विद सम हेल्प और दी अदर हेल्प।
तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो सेलेब्स को जैसे वो दिखते हैं वैसा दिखाने के लिए लगते हैं, ठीक है। तो आप उन प्रेशर्स में मत पड़ो, जो असली है वो असली है, जो नहीं है उस बारे में हमें बहुत ओपन रहना चाहिए ताकि मोस्ट सेंस बिकॉज आपने मुझे, मेरे को भी नहीं लगा था हम ऐसी कॉन्वर्जेशन करेंगे, मुझे लगा था बहुत फन और सिर्फ फन होगा, बट फन भी था, बट देर वर सो मेनी कॉन्वर्जेशंस एंड सो मेनी थिंग्स दैट वी ऑल्सो एक्चुअली स्पोक अबाउट. And I am so happy that we did this, Jasmine. Thank you so much for doing this. Lovely meeting you. You too. Girls supporting girls always. And you have that positive aura, energy. And I hope that never dies. That little child in you, it never goes away. And we are very similar in those terms. So I hope you are the same. I am the same. And we keep doing such good conversations. Obviously, we will always. It was pleasure being here. Take care, darling. Bye. Bharat Institute of Higher Education and Research, Chennai. Admissions open for BTech, BSc Agri, BPharm Nursing, Paramedical and Arts and Science courses.